बात करते हैं दंतेवाड़ा की। यहाँ पर कट कल्याण के चिकपाल कैंप में चार इनामी नक्सली सहित 28 लोग नक्सल संगठन छोड़ के मुख्य धारा में जुड़ने पहुंचे। इसी समर्पण में बुजुर्ग विकलांग गागरू राम मंडावी भी अपने दो बेटों के साथ पहुंचे। दरअसल बीते 14 अक्टूबर को सुकमा पुलिस ने गागरू राम के तीसरे बेटे को मुठभेड़ में मार गिराया था, जो लंबे समय से डिप्टी कमांडर का पद संभाल रहा था। बेटे की मौत से दुखी पिता दो बेटों के साथ लेकर समर्पण करने के लिए चिकपाल कैंप पहुंचे, जिन्हें दंतेवाड़ा जिला पंचायत सीईओ ने प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 रुपए दिए। और उसके पिताजी अपाहिज थे, उन्होंने कहा कि उनका एक बेटा तो नक्सलियों के कारण जो है मर गया है, कि बाकी दो लोगों को वो खोना नहीं चाहते, इसलिए वो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरेंडर। तो जो